इसमें इतना पावर है कि अपार धन संपत्ति दे सकता है। राहु में इतना पावर होता है। राहु तब दिग्बली होता है जब, इस रूल को याद रखिए, आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, सिंगल बार आपके डेट ऑफ बर्थ में चार आना चाहिए, चाहे वो ड्राइवर से आए, कंडक्टर से आए या कहीं से भी आए, डेट ऑफ बर्थ में आपका चार होना चाहिए। अगर चार आपके चार्ट में सिंगल बार पड़ा हुआ है और पांच और छह अगर नहीं है आपके चार्ट में, तो ये क्या देता है? राहु इस स्थिति में किसी भी जातक का दिग्बली कहलाता है। दिग्बली मतलब क्या हुआ कि इसमें इतना पावर है कि अपार धन संपत्ति दे सकता है। राहु किसी को रातों रात अमीर बनाने का काम करता है और किसी को जो है रातों रात गरीब भी बनाने का काम करता है। राहु में इतना पावर होता है। ठीक है, एक तो रूल ये हो गया कि चार आप में सिंगल बार होना चाहिए और पांच और छह नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल हुआ कि या तो तीन इसमें ना हो, या तीन का रिपीटेशन हो तो ज्यादा बार हो, तीन से ज्यादा बार हो, या नौ नंबर ना हो, या नौ का रिपीटेशन जो है तीन चार बार से ज्यादा हो, तब जो है ये एक अलग रूल हुआ कि पांच छह नहीं है या दूसरा कंडीशन आप इसको पकड़ सकते हैं, तब जो है राहु अपार धन संपत्ति देता है। और इस स्थिति में दुब्बी का जर, यानी कि दुर्वा का जर जो हम लोग बताते हैं, जब इसमें तो इसमें भी कंबाइंड का रेमेडीज नहीं है, इसमें सिंपल रेमेडीज है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। दुर्वा का जर जो है उसमें तीन चार ग्रह का पावर होता है कि तीन चार ग्रह को एक साथ वो एक्टिव कर सकता है, तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग हम ये करते हैं कि दुर्वा का जर अगर शनिवार को काले धागे में अगर बांध सकते हैं तो बांध लीजिए, बहुत अच्छा। राहु कोई अगर शेयर मार्केट में काम कर रहा है, पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, या पब्लिक फिगर में काम कर रहा है, वो पॉपुलर नहीं हो रहा है, आप इसका रेमेडी दे दीजिए, 100% उसमें काम करेगा, आंख बंद करके दीजिए और वो क्लाइंट फिर दोबारा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो क्योंकि आपको पकड़ में आ गया है कि इसकी राहु दिग्बली है, कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है, राहु को बल दे दिए, राहु ऑलरेडी उसके चार्ट में दिग्बली था, आपको यह पता चल गया है, वो एक्टिव होगा, उसको धन संपत्ति देना शुरू कर देगा। यहां तक समझने में किसी आदमी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। राहु दिग्बली तब होता है जब चार और पांच ना हो, तीन खराब स्थिति में हो और नौ खराब स्थिति में हो, तो राहु दिग्बली कहलाता है। दोस्तों, अगर आप मंगलोजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,